फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओजस फिटनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात कर लेने वाले हैं स्किन केयर के बारे में। एनी ट्रीटमेंट आपको एक ऐसा स्किन केयर बताने वाली हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 110% फ्रेंड्स आपकी जो स्किन है वो यूथफुल बनेगी और साथ ही जितने भी सेल्स आपके स्किन के हैं वो नेचुरली जो है बूस्ट होंगे, जो एक्टिव होंगे आपके स्किन में। जो कोलेजन होता है, जो ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे समय के साथ में, हमारे स्किन के लिए जो एक नेसेसरी प्रोटीन है कोलेजन, उसको जो है बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे। ऑलमोस्ट हम सभी को एक ऐसा स्किन चाहिए जो कि विदाउट मेकअप नेचुरल तरीके से हमारे स्किन को ग्लो करने के साथ साथ यूथफुल बनाए रखने में हेल्पफुल रहे। तो पांच ऐसे एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर कर लेने वाली हूँ जिनको मैं फॉलो करती हूँ अपनी स्किन के लिए, जो आप सभी से शेयर करी हूँ। अगर आप भी उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 110% विजिबल डिफरेंस आपको अपनी स्किन में दिखने वाला है। फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं बोलती, अगर वन मंथ के लिए भी आप फॉलो करते हैं तो 10 to 15 days में आपको विजिबल डिफरेंस जो है दिखने लगेगा, वो भी नेचुरल तरीके से। कोई सर्जरी नहीं, कोई कॉस्मेटिक का सहारा नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस आपको करना होगा तो कुछ चीजें फॉलो रेगुलर तरीके से, जिनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्किन बहुत खूबसूरत रहने वाला है, हेल्दी रहने वाला है और साथ में जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो सब दूर रहेंगी आपकी स्किन से। रिंकल्स टाइम से पहले नहीं आएंगे, एजिंग नहीं होगा आपकी स्किन को, आपकी स्किन यंग फ्रेश दिखाई देगी, जितने उम्र के हैं उससे कम का दिखाई देगा आपका स्किन, चाहे मेंस है या वुमेन्स है। एंड मेरी वीडियो में बने रहेगा, मिस मत कीजिएगा। लेट्स स्टार्टेड द वीडियो। जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर देखेंगे तो उनमें ही पाएंगे कि एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हमें उनके जितने भी रीजंस होते हैं, वो प्रॉब्लम हमारे सामने क्यों आई, अगर हमारे स्किन में रिंकल्स आए तो क्यों आए, रिंकल्स के जितने भी रीजंस हैं उन पर वर्क करेंगे, देन हम उसके सॉल्यूशन पर वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स, वो क्यों आया, हमने कोई एक्सटर्नल केयर किया उसकी वजह से आया, इंटरनल केयर में कमी किया उसकी वजह से आया, या हम कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी वजह से आया, या हम स्ट्रेस में हैं उस वजह से आया, या हम पॉल्यूटेड एरिया के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं उस वजह से आया, या हम गलत क्रीम या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं उसकी वजह से आया, और भी अदर रीजन हो सकते हैं। तो पहले सारे रीजंस पर वर्क किया जाता है, देन जो है उसका सोल्यूशन किया जाता है। बहुत से लोग फेस मास्क या आप फेस पर ये क्रीम लगा लीजिए उससे आपको जो है ये समस्या दूर हो जाएगी, नो नेवर। कभी भी एक चीज आपकी समस्या को ठीक नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, अगर आप सोचेंगे हमारे फेस पर दाना निकला है, डार्क स्पॉट हो गया, केवल क्रीम लगाने से वो ठीक हो जाएगा कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाए, लेकिन उसके बाद अगर वो प्रॉब्लम, अगर आपने परमानेंट ठीक करना है ना फ्रेंड्स, तो आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों केयर पर फोकस करना होगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे टेम्परेरी बेस होती है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम परमानेंट चाहते हैं कि हमारी स्किन में ठीक रहे। तो आप ही बताइएगा, आप परमानेंट चाहते हो या टेम्परेरी वेस अपनी स्किन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हो। मैं फ्रेंड्स मोस्टली दवाइयां मेडिसिन जितने भी होते हैं इनको मतलब अलग रखती हूँ, इनसे पहले कोशिश करती हूँ कि नेचुरल तरीके से वो समस्या हमारी दूर कैसे हो सकती है या क्या प्रॉब्लम है जिसको हम नेचुरल तरीके से दूर कर सकते हैं। सो ऐसे ही आज बात कर लेने वाले हैं कॉलेजन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जो कॉलेजन होता है वो हमारी स्किन के लिए उतना ही जरूरी है फ्रेंड, जैसे कि हमारी बॉडी के लिए, जैसे कहते हैं ना सांस लेना, खाना खाना, ये एक बेसिक और नेसेसरी रिक्वायरमेंट है जो लोगों के लिए जरूरी है, उतना ही हमारी स्किन को यंग और यूथफुल बनाने के लिए जरूरी है कोलेजन। फ्रेंड्स, कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो कि समय के साथ में हमारे इरेगुलर लाइफस्टाइल अगर होता है या फ्रेंड्स हम जो है कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसा ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन पर इफेक्ट आ रहा है, तो उसकी वजह से कोलेजन ब्रेकआउट आने लगते हैं, हमारे स्किन में कोलेजन कम होने लगता है। तो नेचुरल कोलेजन हमारे स्किन में मेंटेन रहे, बना रहे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोलेजन रिच फूड लेने होंगे। साथ ही फ्रेंड्स, कोलेजन रिच क्रीम हमें जो है स्किन पर जो है कोलेजन रिच क्रीम्स यूज करना होगा, अपार्ट दैट फाउंडेशन या कोई भी मेकअप जो चीजें हम यूज करते हैं उनके अपार्ट। तो उससे क्या होगा, हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से हमें जो है कोलेजन मिला, यानी कि वो प्रोटीन मिला जिसकी स्किन को जरूरत थी। तो जब आप ये देंगे स्किन को तो डेफिनेटली स्किन को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और कभी भी फ्रेंड्स केवल एक्सटर्नल केयर पर डिपेंड ना रहिए, नहीं रहना है आपने, इंटरनल केयर को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि आप एक्सटर्नल केयर को देते हैं। सेकंड इज दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वो है फेस योगा। बहुत से लोग फेस योगा नहीं करते हैं, पूरी बॉडी का एक्सरसाइज कर लेंगे लेकिन फेस का नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हो आपका स्किन यंग बने, यूथफुल बने, तो फेस योगा बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी स्किन की जो मसल्स होती हैं उनको एक्टिवेट बनाए रखने के लिए, उनमें ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारी पूरी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं ऐसे हमारे फेस के लिए भी योगा
बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं कि कौन से योगा बेस्ट होते हैं आपकी स्किन के लिए, तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। नेक्स्ट इज दैट फ्रेंड्स कि आप जो है जितना भी हो सके अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखिए, यानी कि हाइलुरोनिक एसिड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है हमारी स्किन के लिए। अगर मैं डॉक्टरी लैंग्वेज में बात करूं या फ्रेंड्स जो कॉस्मेटोलॉजी होते हैं उनकी लैंग्वेज में बात करूं, तो हाइलुरोनिक एसिड इज मस्ट, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे स्किन को यंग बनाए रखने के लिए। बट नेसेसरी नहीं है कि आप महंगे हाइलुरोनिक एसिड से रिलेटेड क्रीम्स खरीदें या ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदें, उनसे ही आपका स्किन यंग बनेगा। अगर मैं नेचुरल तरीके के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, जो मैं यूज़ करती हूं, हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, एलोवेरा एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, इनसे रिलेटेड आप क्रीम बना सकते हो, इनको यूज़ करके आप फेस मास्क बना सकते हो, इनको डायरेक्ट आप जो है जैसे हनी होता है, हनी की कुछ बूंदे और एलोवेरा जेल और लेमन ड्रॉप करके उसमें वो फेस पर आप मसाज कर सकते हो। इससे होगा ये कि नेचुरल मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन में मेंटेन रहेगा। अगर आपके पास अफोर्ड करने का नहीं कि हाइलुरोनिक एसिड जैसे क्रीम्स हम या ब्रांड्स अफोर्ड करें, तो ये बहुत अच्छा और नेचुरल तरीका है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। और इंटरनल तरीके के बारे में बात करूं, तो डेफिनेटली आप इंटरनल बेस पर जितना भी वाटरी फूड को शामिल करेंगे जिनमें पानी ज़्यादा होता है, या विटामिन सी से रिच जो फूड्स होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं डेफिनेटली, तो वो आपकी स्किन को यंग और फ्रेश बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इनको जो है आप ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल करें। बहुत से लोग केवल खाने पर ही डिपेंड होते हैं, खाना ही खाते हैं, खाना इज़ नॉट सफिशियंट, फूड इज़ नॉट सफिशियंट फॉर योर स्किन। हर एक तरह का हमें फूड चाहिए हमारे स्किन को, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए हमारे स्किन को, हाइड्रेशन भी चाहिए हमारे स्किन को, और साथ में हमारे स्किन को न्यूट्रिशंस भी चाहिए। तो वो एक कंप्लीट फूड दे पाएगा जिसमें आपने फ्रूट्स भी रखने हैं, फूड भी रखने हैं, विटामिंस भी रखने हैं, फाइबर्स भी रखने हैं, तो ये सारी चीजें आपने शामिल करेंगे तो आपकी स्किन को शिकायत ही नहीं होगा किसी अदर ट्रीटमेंट का। बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फ्रेंड शुगर, शुगर आपने व्हाइट शुगर जो घर में खाते हैं प्लीज उसको स्किप करें। शुगर या तो आप ना के बराबर यूज़ करें, या शुगर को इसको स्विच करके आप अदर शुगर पर जा सकते हैं, ब्राउन शुगर पर जा सकते हैं, या आप खजूर जो होता है, खजूर होता है मीठा, उसका सिरप भी आता है, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, या अदर भी ऑप्शन है, गुड़ जैगरी होता है उसका पाउडर आता है उसको आप ले सकते हो, फॉर डेट वाइट शुगर। वाइट शुगर में ऐसा फिल्ट्रेशन होता है जो आपके मतलब बॉडी के लिए भी हानिकारक है, आपके स्किन के लिए भी हानिकारक है, तो आप उसको ना लें फ्रेंड्स। तो ये बहुत सी कॉमन ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको स्किन ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होगी। बहुत से कम एज में भी लोग कहते हैं मैम हमारे स्किन पर ये प्रॉब्लम हो गई, हमें स्किन लटकी लटकी दिखाई दे रही है, डार्क स्पॉट है, लटकी इसलिए दिखाई दे रही है ना तो तुम योगा करते हो, फैटी चीज़ें खा रहे हो, तो वो फैट कहाँ जाएगा? फैट सबसे ज़्यादा हमारे स्किन पर आता है या हमारी टमी पर आता है, दो जगह बहुत जल्दी फैट आता है, और बैक जो एरिया होते हैं जिनमें बल्जेस वगैरह आ जाते हैं वहाँ पर फैट बहुत जल्दी आता है, किसी के हिप एरिया पर फैट जल्दी आता है। तो ये आपका बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, स्किन टू स्किन डिपेंड करता है कि जल्दी से फैट कहाँ पर जो है हमारी बॉडी का जो है वो कहाँ जाएगा, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलाइट आपके अंदर आ गया है वो सेल्यूलाइट आपका कहाँ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फॉलो जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स इन टिप्स को, डेफिनेटली आप देखेंगे आपकी जो स्किन है उसमें विजिबल डिफरेंस आ गया है, आपको जो है किसी अलग जगह पर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जो बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जिनमें महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स बता दिए जाते हैं, तो उन ट्रीटमेंट से आप बच जाएंगे। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।